और अगली खबर गुना से, जहां अवैध व्यापार करने वाले 3 आरा मशीनों पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। बीनागंज रेंजर को नहीं पता सागौन का अवैध व्यापार करने वाले व्यापारी का नाम और कर दिया राजस्थान वन विभाग टीम के हवाले। खबर गुना से है। आज सुबह लगभग 5 बजे बीनागंज और राजस्थान वन विभाग के द्वारा मनोहर थाना स्थित आरा मशीनों पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान की वन विभाग टीम ने जब 3 आरा मशीनों पर छापेमार कार्रवाई की, तब उन्हें लगभग 3 से 4 हजार सागवान की सिल्ली बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 75 से 80 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई के संबंध में जब बीनागंज वन परिक्षेत्र के रेंजर सौरभ द्विवेदी से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि हमने और राजस्थान वन विभाग टीम ने अनुमति लेकर वन विभाग की संपत्ति को अवैध रूप से व्यापार करने वाले 3 आरा मशीनों को क्षतिग्रस्त कर उसके संचालक राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिया है। अब सवाल ये कि जब इस संबंध में बीनागंज रेंजर सौरभ द्विवेदी से पूछा गया कि जिस आरोपी को आपने पकड़ा है इनका नाम क्या है, तो इस संबंध में उन्होंने बताया कि हमें उसका नाम नहीं पता, पर उसे पकड़कर हमने राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिया है, वहां आगामी कार्रवाई की जा रही है। अब सवाल ये भी कि इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, लाखों की सागवान की सिल्लियां बरामद हुई, लेकिन बीनागंज रेंजर को आरोपी का नाम ही नहीं पता, जबकि उन्होंने खुद ही कहा है कि हमने संचालक को पकड़कर राजस्थान पुलिस के हवाले किया है। बीनागंज के द्वारा कार्रवाई की गई, तो क्या कार्रवाई की गई? आज संयुक्त दल बनाया गया था मध्य प्रदेश फॉरेस्ट राजस्थान पुलिस का, जिसमें जो हमारा नेतृत्व था श्रीमान वन मंडल अधिकारी महोदय गुना कर रहे थे, और SDO बीनागंज मार्गदर्शन में आज बीनागंज की टीम ने, राधोगढ़ की टीम ने और गुना दक्षिण की टीम ने संयुक्त रूप से मनोहर थाना राजस्थान में गबिश दी, जहाँ पर जो अवैध रूप से संचालित आरा मशीनें थी उनको चेक किया गया। उनमें जो अवैध सागौन वनोपज पाई गई उन सभी को जब्त किया गया। लगभग 3 से 4 हजार नग सागौन सिल्लियाँ जब्त की गई और अनुमानित कीमत 70 से 80 लाख रुपये। जी सर, और कुछ?